गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक में। मैं हूं आपके साथ सौम्य शर्मा। आज हम आपको दो वैकेंसीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले यूडीआरआई ने अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर 13 पोस्ट मैनेजर्स के लिए वैकेंसीज़ निकाली हैं। जी हां, उत्तराखंड डिज़ास्टर रिकवरी इनिशिएटिव ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर 13 मैनेजर पोस्ट वैकेंसी निकाली हैं। और अगर आप चाहते हैं फील्ड में अपना ना तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लास्ट डेट पहले 12 अगस्त रखी गई, 12 अगस्त यानी 2019, और अब इसको एक्सटेंड करके इसको बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है। तो अगर आप ये जॉब पाना चाहते हैं या इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 अगस्त लास्ट डेट है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूडीआरआई ने नोटिफिकेशन जारी कर 13 पोस्ट निकाली हैं। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब हैं और 13 मैनेजर पोस्ट के लिए जो पोस्ट निकली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसका पूरी जो PDF है अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। और जितनी भी जानकारी दी गई है, सैलरी स्ट्रक्चर है या एप्लीकेशन फिल करने के बाद सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ये सब आपको उस पर पता लग जाएगा। तो चलिए, कुछ पोस्ट हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है एडिशनल प्रोग्राम डायरेक्टर की, उसके लिए एक वैकेंसी है। डेप्यूटी प्रोग्राम मैनेजर की, उसके लिए भी एक वैकेंसी है। मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, उसके लिए एक वैकेंसी है, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जियो टेक्निकल एक्सपर्ट, उसके लिए भी एक वैकेंसी है। स्टेबलाइजेशन एक्सपर्ट, यानी उसके लिए भी एक वैकेंसी है। एनवायरमेंट रीसेटलमेंट स्पेशलिस्ट, उसके लिए भी एक वैकेंसी निकाली गई है। सोशल कम्युनिटी के लिए भी एक वैकेंसी है। एक्सपर्ट IT MIS के लिए दो वैकेंसी निकाली गई हैं। जी हाँ, बाकी सभी के लिए एक पोस्ट है। और मैनेजर IT एक्सपर्ट IT MIS के लिए दो वैकेंसी निकाली गई हैं। इसके साथ है एनवायरमेंट रीसेटलमेंट स्पेशलिस्ट के लिए एक है, सोशल कम्युनिटी के लिए एक है, डेवलपमेंट और जेंडर स्पेशलिस्ट के लिए भी एक वैकेंसी निकाली गई है। मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के लिए एक वैकेंसी है। मैनेजर IT MIS के लिए एक है, और इसके साथ एक्सपर्ट IT MIS के लिए दो वैकेंसी निकाली गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी है और लीगल एक्सपर्ट के लिए भी एक वैकेंसी निकाली गई। टोटल ये 13 पोस्ट हैं मैनेजर के लिए। अगर आप चाहते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, 20 अगस्त की लास्ट डेट है। और आप एप्लीकेशन अपना सबमिट करेंगे अप्लाई करने के लिए, वो सीधा अमित सिंह नेगी यानी कि IAS ऑफिसर प्रोग्राम डायरेक्टर है के पास जाएगी, और वही इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि आगे आपको क्या है, सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहेगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए, BE हैं, BTEC हैं, MTEC हैं, या आप PhD कर चुके हैं, MBA हैं, या आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास, मास्टर्स कर चुके हैं, LLB है, और बहुत सारी क्वालिफिकेशन हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। जी हाँ, इसकी सैलरी स्ट्रक्चर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा गया है, 40,000 से 1,50,000 यानी 1.5 लाख तक रखी गई है। अगर आप चाहते हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, ऑल ओवर इंडिया में है, कहीं भी चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो उसका ऑफिस होगा हो सकता है आपको देहरादून में मिले। इसके साथ ही दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताती हूँ, DRDO। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है DRDO में। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए DRDO ने नोटिफिकेशन जारी कर पोस्ट इंजीनियर्स के लिए जॉब निकाली है। और अगर आप चाहते, इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है वो 21 अगस्त रखी गई है। अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो हमारी UDRI की वो 20 अगस्त है, और DRDO की जो वैकेंसीज हैं, जो पोस्ट हैं, उनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो डेट रखी गई है वो 21 अगस्त रखी गई है। जी हाँ, रात 12 बजे 21 अगस्त तक आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ्रेशर्स के लिए भी जॉब है और जो एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए भी है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, इसकी ऑफिशियल जो लिंक है उस पर जाकर आप पूरा जो क्राइटेरिया है वो समझ सकते हैं, और क्या क्या नीड है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है भी आप जान सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एक बार डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। जी हाँ, RDO.government.in, इस पर जाकर आप पूरी डिटेल ले सकते हैं, और जितनी भी वैकेंसी जो पोस्ट निकाली गई हैं आप उनके बारे में पता कर सकते हैं।
इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो 290 निकाली गई हैं और अदर्स के लिए ये वैकेंसी 30 निकाली गई हैं। इसका मतलब टोटल 320 वैकेंसी हैं हमारे पास, 290 हैं इंजीनियर वैकेंसी के लिए और बाकी जो 30 पोस्ट हैं वो अदर्स के हैं। एक और मैं आपको बता दूँ इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, बीटेक है, बीई है और एमएससी है। अगर आप इन तीनों में किसी के पास आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लोकेशन दी जाएगी आपको जॉब के लिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बाद, तो जो इसका टाइम, जो इसकी लोकेशन रखी गई है वो न्यू दिल्ली है, हैदराबाद है और बैंगलोर है। इन जगह आप पोस्ट, आपकी पोस्टिंग हो सकती है और अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई करें। इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 अगस्त रखी गई है। जी हाँ, UDRI यानी की जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त रखी गई है और DRDO की जो लास्ट डेट है वो 24 अगस्त रखी गई है। तो 24 अगस्त रात 12 बजे तक अगर आप चाहते हैं वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना, इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसीज जारी की गई हैं। DRDO ने इसको, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर ये वैकेंसीज निकाली हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये काम करता है, आप चाहते हैं तो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए। UDRI यानी उत्तराखंड डिज़ास्टर रिकवरी इनिशिएटिव ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर 13 पोस्ट निकाली हैं। ये 13 पोस्ट मैनेजर हैं, इसमें एडिशनल प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, डेप्यूटी मैनेजर, डेप्यूटी प्रोग्राम मैनेजर हैं, मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, जियो टेक्निशियल एक्सपर्ट है, स्लोप स्टेबलाइजेशन एक्सपर्ट है, एनवायरमेंट रीसेटलमेंट स्पेशलिस्ट है। सभी के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है और जो दो वैकेंसी निकाली गई हैं वो एक्सपर्ट ITMIS के लिए हैं। इसकी क्वालिफिकेशन है अगर आप बीटेक हैं, और बहुत अच्छा है कि अगर आपने एमटेक कर रखा है, MBA हैं, LLB हैं या आपके पास कोई और मास्टर डिग्री है और इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप प्लीज़ इसके लिए ट्राई करिए। आप अच्छा करियर बना सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, बढ़िया फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको, अच्छा आप काम कर सकते हैं इसमें और एग्ज़ाम दे के आप अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। DRDO की मैं फिर से आपको बता दूं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इंजीनियर के लिए 290 पोस्ट निकाली हैं और जो अदर है उसके लिए 30 पोस्ट हैं, यानी कि टोटल 320 हैं। इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स के लिए अलग पोस्ट होगी, उनके लिए अलग वैकेंसी होगी। जो मैं आपको बता रही हूँ ये पोस्ट इंजीनियर्स के लिए है, तो उसकी 290 हैं। अगर आप बीटेक हैं, बीई हैं, एमई हैं, एमटेक हैं या फिर एमएससी बीएससी भी हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। इसका जो आपको ऑफिस मिलेगा या आपके सिलेक्शन के बाद अगर आप क्लैरिफाई कर लेते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको न्यू दिल्ली, हैदराबाद या बैंगलोर, इन तीन जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है, आप यहां काम कर सकते हैं, तीनों अच्छे शहर हैं। और तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम ऐसी वैकेंसीज जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जाती हैं हम बिल्कुल आपको बताते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक MP तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए, हम और भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।